तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, प्रोटेक्शन तो नहीं है, इससे पहले का टॉपिक हमारा है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट राहुल जी, मैं भूल गया था। तो हाँ जी सर, हाँ एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने देखा था कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाव पे हमने हाईलाइट किए थे। तो आज मैं आपके साथ जो है वही चीज को हम फॉलो करने जा रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि उसमें और ज्यादा एडवांस कैसे हो सकता है। तो चलिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। चलिए सर, चलिए। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी दिख रही है। तो हमने लास्ट क्लासेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बताया था किस तरह से हम कंडीशन करते हैं कि हम ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन करते हैं। तो आइए चलिए और एडवांस में हम घुसते हैं। तो इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे हाईलाइट करते हैं, जैसे ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन। तो ये जो आप चीजें देख रहे हो ये वो चीजें हैं जो कि बाहर मोस्ट यूजेज है, इसलिए बाहर डाल दी गई है। लेकिन क्या है कि इसमें सारी चीजें नहीं दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें हाईलाइट में ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए, यहां पे नीचे मोर रूल्स मिलेंगे। तो ये जो बाहर जो फीचर्स डली हुई है वो आपके मोस्ट यूजेड फीचर्स है, लेकिन इसके अंदर जब मोर रूल्स या न्यू रूल्स पे जाते हो तो बाकी के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये तो आपका आ जाता है कि आप कलर स्केल करना चाहते हो, 3D डेटा बार आइकन सेट उसका है। यहां फॉर्मेट सेल पे जाओगे तो इसमें देखिए सेल वैल्यू में बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन सारे। अब इसमें आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए यहां से कंडीशन सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहां पे आपको नंबर देने हैं 25,000 जो भी देना चाहते हो, एंड फॉर्मेट में जाना है और अपनी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करनी है। तो फॉर्मेट में क्या करें, अपनी फॉर्मेटिंग यहां से सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, और ओके कीजिए तो इस कंडीशन पे आपका सारा हाईलाइट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया। तो उसी तरीके से यहां पे बाकी चीजें, ये चीज तो हमने इस्तेमाल बाहर किए थे, बताया था आपको कल की क्लास में कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या है, नया चीज क्या है इसमें। तो सेल वैल्यू में टेक्स्ट पे जाइए। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कंटेनिंग सेल दैट कंटेनिंग, मतलब कि अगर मैं यहां सिटी कोड में अगर सिलेक्ट करता हूं यहां पे, मैं इसमें क्या था कि हमने आपको बताया था कि अगर मुझे मान लीजिए इसमें से दिल्ली को हाईलाइट करना है, तो दिल्ली को हाईलाइट करने के लिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहां पे इक्वल टू आपने दिल्ली कर लिया था।
बट क्या था कि दिल्ली जो आपने किया तो दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ, सॉरी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू था। तो न्यू दिल्ली को हाईलाइट करने के लिए हमने सेल्स वैल्यू में टैक्स दैट कंटेन लिया। क्या लिया? टैक्स दैट कंटेन। तो टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या हुआ कि हमने दिल्ली दे दिया तो न्यू दिल्ली दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गया। मतलब कि कंट्रोल एफ की तरह काम किया कि जो अगर दिल्ली या न्यू दिल्ली कहीं किसी के भी अंदर होगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। अरुण बोल रहा हूँ हाँ सर, क्लास। तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गया। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सीजन को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट दैट कंटेन करते हैं तो जो वर्ड आप टाइप करेंगे वो वर्ड का पोजीशन चाहे जो हो, जैसे दिल्ली कहीं भी होना चाहिए, जैसे दिल्ली रोड, दिल्ली हाउस, कुछ भी होगा, चाहे न्यू दिल्ली, तो दिल्ली का पोजीशन स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है? लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप चाहते हो कि भाई दिल्ली स्टार्टिंग में होना चाहिए या दिल्ली लास्ट में होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहां पे न्यू रूल्स में या मोर रूल्स में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स ओनली में सेल वैल्यू को टैक्स पे चले जाएंगे। टैक्स में बाय डिफॉल्ट आपको कंटेनिंग आएगा। इस कंटेनिंग को नॉट कंटेनिंग मतलब कि दिल्ली नहीं होना चाहिए, देश दिल्ली के अलावा कुछ और हो तो हाईलाइट करें। बिगेन विथ मतलब कि स्टार्टिंग में हमने यहां दिल्ली कर दिया तो स्टार्टिंग में दिल्ली होना चाहिए, लास्ट में चाहे जो भी हो, जैसे दिल्ली हाउस, दिल्ली रोड, दिल्ली स्टार्टिंग होना चाहिए, उस बाद में हाउस हो चाहे रोड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि एक डेटा आपका है जिसमें बहुत सारे नाम है और नाम में मेल और फीमेल की सेग्रीगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन मेल और फीमेल के लिए अलग कॉलम नहीं है, लेकिन नाम से पहले मिसेज एंड मिस्टर लगा हुआ है। तो आप अगर सेग्रीगेट करते हो कि मेल को अलग करना है, फीमेल को अलग करना है, तो आप ये कर सकते हो कि बिगेन विथ एमआर, मिस्टर, मिस्टर से अगर स्टार्ट है तो उसको हाईलाइट करें, अदरवाइज हाईलाइट ना करें। तो उसके लिए आप बिगेन विथ और एंड विथ कि दिल्ली लास्ट होना चाहिए, तो कोई भी टेक्स्ट जो है लास्ट में होना चाहिए। इसके लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट के बाद अगर हम बात करें डेट ऑकरिंग, तो जो बार हमने पढ़ा है कि आप टुडे टुडे की डेट, आज की करेंट डेट या टुमारो की डेट या लास्ट 7 डेज या इस पीरियड की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं जो कि आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैंक, ब्लैंक को, नो ब्लैंक को, एरर एरर पे हमें एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। बेसिकली कभी कभी से वी लुकअप या बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, खासकर वी लुकअप फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो जो वैल्यू नहीं होती है वहां पे एनए का रिजल्ट शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एनए कुछ टाइप कर दिया और कहीं भी कुछ वैल्यू भी टाइप कर दी। अब इसके लिए हम लोग इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि इस तरह की वैल्यू जो है ना, मतलब कि एरर ना दिखे। लेकिन हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी रिमूव कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए किसमें, न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स के यहां फॉर्मेटिंग में ओनली सेल दैट कंटेन और यहां एरर पे आया, और इसकी फॉर्मेटिंग में गया और इसकी जो फॉन्ट कलर है इस फॉन्ट कलर को मैंने कर दिया व्हाइट। हाँ, हमने व्हाइट क्यों किया?
क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी जानते हो कि व्हाइट बोर्ड में, चलिए व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से आप टाइप नहीं कर सकते। तो यहां भी सेम ऐसा ही होगा। देखिए ठीक है, समझ रहे हैं आप लोगों को? हालांकि इसने हटाया नहीं है, यहां पे देखिए ऊपर देखिए एन है, एरर तो है, लेकिन इसकी कलर व्हाइट होने से ये दिख नहीं रहा है। हेलो। हाँ जी सर, पर प्रिंट में तो आएगा ना ये सब? नहीं प्रिंट में नहीं आएगा ना, प्रिंट में कैसे आएगा? ठीक है सर, प्रिंट में भी नहीं आएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इसमें इसी तरह की बात की है, लेकिन इसमें न्यू रूल्स में हमारे पास एक फॉर्मूला का टॉपिक है, इसको देख लीजिए। बाकी सिंपल सा है कि टॉप बॉटम को हाईलाइट करना, टॉप टर्म को बॉटम टर्म को, या फिर अबव बिलो करना है, या फिर आपको यूनिक एंड डुप्लीकेट को करना है, ये चीजें तो हमने बाहर डिस्कस की थी। यूज फॉर्मूला बात करते हैं। अब फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों होता है? अभी तक देखिए कि अभी तक हमने आपको वहीं पे फॉर्मेटिंग लगाया है जहां पे हमने कंडीशन दिया है। अब हम चाहते हैं कि कंडीशन कहीं और हो और फॉर्मेटिंग कहीं और हो, कंडीशन कहीं और हो एंड फॉर्मेटिंग कहीं और हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? जैसे मैं नाम को हाईलाइट करना चाहता हूं, कब? जब सैलरी बोनस एंड ओवरटाइम का टोटल का अगर 20% 5000 से ऊपर हो, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये टैक्सेबल में आ जाए, हम टैक्सेबल में इसको करना चाहते हैं। इसलिए तो याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला का ये करें, फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, तो आप पूरे कॉलन को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि हम पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें पूरे का पूरे कॉलम को नहीं सिलेक्ट करें। तो सिर्फ एक सिंगल सेल सिलेक्ट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, और यहां पे फॉर्मूला आएगा कि इक्वल सम, और हम इन सबों को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसका 20% इज ग्रेटर देन 5000। क्यों? क्योंकि अब डॉलर साइन हटा देते हैं ताकि ब्रैक हो सके। तो 20% निकालने का सिंपल है, परसेंट कर ले,
और फिर हम अपनी फॉर्मूला को सेट कर देते हैं एंड ओके किया एंड फॉर्मेट पेंटर से हम बाकी जगहों को पेंट कर देते हैं। अब ये सारे 20 से इसलिए क्योंकि सैलरी ज्यादा है, मैं यहाँ पे 5,000 कर देता हूँ। देखिए क्लियर नहीं हुआ। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको इसमें हम दिखाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल वन में हमारे पास यहां पे अकाउंट नंबर डाला हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर में कोई भी पर्सन डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके, तो उसके लिए तो सिंपल है कि हमने यहां पे गए और हाइलाइट्स में डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तब क्या होगा कि कोई भी अकाउंट नंबर मोर देन वन टाइम होगा तो हाईलाइट दोनों हो जाएगा, बट हम सिर्फ एक को हाईलाइट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऊपर वाली वैल्यू हाईलाइट न हो क्योंकि फिर फिल्टर करके डिलीट करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम सिर्फ जो है वो सेकेंड वालों को हाईलाइट करना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता हो तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई प्री डिफाइंड कंडीशंस एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हमें किसी भी नंबर को कॉलम रो एंड कॉलम एरिया में काउंट करने के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ और फिर हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो काउंट इफ तो ये टू दिखा दिया, तो टू यहां भी दिखा रहा है और टू यहां भी दिखा रहा है। तो बेसिकली भी कंडीशन हमेटिक किसी मेथड पे चल रहा है, बट मुझे यहां पे काउंट वन दिखाना है और यहां पे टू दिखाना है। अगर नीचे कोई आ गया तो वहां पे थ्री दिखाना है, ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम काउंट इफ का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसका साइंस को चेंज करेंगे। हम A1 से A1 A2 से A2 कॉमा A2 लेते हैं, हम तीनों को सेम ले लिया। देखिए यहां पे हमने क्या किया, तीनों नंबर को सेम लिया कि A2 से A2 कॉमा A2, मतलब कि A2 से A2 में A2 को ही काउंट करो। अब यहां पे मैं F4 लगा देता हूं तो क्या हुआ कि पहला A2 फ्रीज हो गया। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये काउंट कहां से करेगा, A2 से A3। तो इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो ए आएगा आपका 2 आएगा यहां पे, क्योंकि इसे A2 से A6 तक काउंट किया, नीचे काउंट इसको अभी नहीं समझ में नहीं आया इसमें। और जब यहां पे काउंट करेंगे तो यहां पे आ गया 3। तो इसी तरह से जब रिपीटेशन हो गए तो सीक्वेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले वाली फॉर्मेटिंग को मैं यहां से क्लियर कर देता हूं और उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने लगाया इसी को कॉपी करता हूं और सिंगल सेल को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाता हूं और यूज फॉर्मूला और यहां पे उस फॉर्मूले को पेस्ट करता हूं और कंडीशन देता हूं कि ग्रेटर देन वन होना चाहिए, कि हाईलाइट कब हो, जब काउंट इफ का रिजल्ट एक से ज्यादा हो, एक पे हाईलाइट ना। तो हमने कलर रेड से कर दिया एंड ओके एंड ओके। और फिर फॉर्मेट पेंटर से हम नीचे की तरफ पेंट करेंगे तो देखिए कि बाकी वह जो हाईलाइट हो गया पहला हाईलाइट नहीं। समझ गए, किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। अब यहां पे हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की। मान लीजिए कि इस कॉलम में मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूं और मोबाइल नंबर जैसे लिखता हूं
तो मुझे इसमें डिजिट अगर 10 से कम या ज्यादा हुआ, तो हाईलाइट करें। तो इसके लिए हमने, अब इसमें कितने इसके लगन डिजिट है, इसके लिए हमारे पास लेन का फॉर्मूला होता है कि LEN लेन, हमने इसको सेलेक्ट किया इक्वल। बट प्रॉब्लम यहां पे आती है कि मैं अगर यहां न्यू रूल्स में जाऊं और यूज फॉर्मूले में मैं लिख दूं कि इक्वल कि लेन, और लेन में मैंने इस E2 रेफरेंस ले लिया क्लिक करके और बोल दिया नॉट इक्वल टू 10, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम देखिए कि ए भी हाईलाइट होगा और नीचे वाला ब्लैंक सेल भी हाईलाइट होगा, कि ब्लैंक सेल की लेंथ 0 आएगी, लेंथ जो है 0 आएगी, और 0 भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है। तो यहां पे दो कंडीशन की रिक्वायर है कि लेंथ जो है 0 से बड़ा और 10 के बराबर ना। तो जब भी दो कंडीशंस, दोनों रिक्वायर्ड कंडीशन डालते हैं तो उसको एंड फॉर्मूला के अंदर डाला जाता है, ये एंड कॉमा और अगेन हमने लेन लगाया, इसको सेलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन 0, और फिर हम इसकी डॉलर को हटाते हैं। उसके बाद इस पे आप अपनी जो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है वो फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करो एंड क्लिपबोर्ड से इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। तो अब मैं अगर कोई गलत नंबर लिखूंगा तो हाईलाइट होगा, ब्लैंक हाईलाइट नहीं होगा, और सही नंबर हाईलाइट नहीं होगा। तो ये एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल जब भी यूज करोगे दो कंडीशंस में करोगे, ठीक है? हेलो हाँ अरुण जी। भाई, सर एक क्वेश्चन है हमारे तरफ से। हेलो, बोलिए ना, सुन रहा हूं। आपने सर एक सिंगल रेंज यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा के फॉर्मूले के मतलब कॉपी करते हुए ड्रैग किया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले से ही रेंज जो है वो सिलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाऊँ, तो क्या वो नहीं चलेगा? नहीं हमने आपको क्या बोला, आप सही से समझे नहीं, कि अगर प्री डिफाइन है तो आप पूरे को सिलेक्ट करके अपना लगा सकते हो, लेकिन जब कोई फॉर्मूला लगाते हो तो आपने उसका सेल का रेफरेंस कौन सा देते हो? जैसे मैंने यहां रेफरेंस किसका दिया, इस A2 का दिया ना। तो अगर मैं पूरा को सिलेक्ट करके फॉर्मूला लगाऊं तो उस पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग A2 के अकॉर्डिंग हो जाएगी ना। जब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जो A2 है यहाँ A3 बन जाती है, यहाँ A4 बन जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये A2 E2 है, जब इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, E3 होता है, इंक्रीज होता है। चेंज होगा तेल। तो अगर आप पूरा एरिया सेलेक्ट करके करोगे तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, एक बार लग गया तो लग गया, सब पे एक ही चीज अप्लाई हो जाएगी, समझ गए? तो उसमें हम फ्रीज तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज का। तो अगर हम नीचे रो को टच कर रहे, इसमें फ्रीज नहीं करना है ना हमको, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अलग अलग चेंज करना है ना। फ्रीज कब करना होगा, जो एक फिक्स करना होगा, फ्रीज ही तो ऑलरेडी हो रहा है, इसीलिए तो हमने बोला कि नहीं फ्रीज नहीं करना है, तभी तो चेंज करेगा। तो अच्छा इसी को देखिए कि अगर एक ही कर देते 1 का अकॉर्डिंग चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 5 हो तो 5 पे भी हाइलाइटिंग जो करेगा 1 1 के अकॉर्डिंग करेगा। क्यों? ठीक है। क्योंकि काउंट इफ जो रेंज ले रखा है वो तो A2 का ले रखा है, A3 का तो लिया नहीं, लेकिन जब इसको वो ड्रैग ड्रैग करेंगे तभी तो A3 का लेगा, तभी तो A3 के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब A2 के मतलब A2 से वो कंपेयर करा रहे। यहां देखिए, यहां पे हमने क्या बोला कि एडम का सैलरी का टोटल 20% हो, 20% 5000 से ऊपर हो तो कलर करे, ठीक है? ठीक है। अगर हमने सिंगल सिम लगा के ड्रैग किया तो फिर इसने ये जो एडन जो है, एडन लेयर, इसका इसने सैलरी जो है वापस दोबारा से इसको सम किया और फिर इसका 20% निकाला। अगर हम पूरा ठीक है। सेलेक्ट करके करते तो इन जितने भी पर्सन है उन सारे पर्सन की सैलरी का 20% वो एडन की सैलरी की को सम करके 20% निकालता।
ओके गया ना? ठीक है ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि जैसे हमने यहां पे एक एम्प्लॉय कोड हमने ले लिया, ई कोड, और मान लीजिए कि मैंने यहां पे 18 का डेट डाल दिया और डेट को लेकर मैं ड्रैग कर दी तो बोल दे। सर, और मोबाइल वाले में एक क्वेश्चन और था सर मेरा। हाँ सर, जैसे आपने ये 10 डिजिट लेंथ के लिए दिया, तो क्या मैं ये, जैसे कि यूजर अगर मोबाइल इंटर करता है डबल, मतलब रिपीटेड मोबाइल नंबर यूजर इंटर करता है, तो उसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कैसे? यहां से कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कर दो, हो जाए। उसमें हम क्या कंडीशन देंगे? कोई कंडीशन है, कोई प्री डिफाइंड कंडीशंस है, हाईलाइट सेल्स में डुप्लीकेट्स। अच्छा, डुप्लीकेट के लिए, और फॉर्मूला के थ्रू? सर फॉर्मूला के थ्रू फिर वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए फॉर्मूला के थ्रू क्यों जाएंगे जब ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड है तो मान लीजिए हमारे पास ए है। अब मुझे क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे जो भी आता है उसको हाईलाइट करना है, उसकी रेंज को हाईलाइट करना है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें दोनों कंडीशन नहीं हो सकते, खाया तो सैटरडे होगा या फिर संडे होगा, सैटरडे या फिर संडे। अब मैं यहां न्यू रूल्स में आते हैं, यूज फॉर्मूला। अब जैसे कि दो कंडीशंस आपके पास हो और दोनों रिक्वायर्ड में ऑप्शनल हो। अभी हमने एंड लगाया क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड था भाई, 0 से बड़ा भी होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 10 भी होना चाहिए। लेकिन यहां भी क्या है कि सिर्फ सैटरडे होगा या फिर संडे होगा, ओनली पर सैटरडे या संडे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, एंड फॉर एंड मार्क और लगाएंगे, और ऊपर से मैंने सिलेक्ट किया, बोला कि अगर ये सैटरडे है, और अगेन कॉमा किया और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये संडे है, तो इक्वल देना था ना, माफ कीजिएगा, संडे तो हाईलाइट हो। सर, यह डबल इन्वर्टेड कम आएगा ना सर? हाँ तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ही तो डाला है मैंने, नहीं शायद, नहीं डबल ही डाला है जूम अच्छा करके। डबल ही। उसके बाद यहां पे मैं बी के आगे का डॉलर ड्रैग करूंगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि तो फिक्स है हमारा रो, फिक्स है एंड ओके। और फॉर्मेट प्रिंटर से मैंने इसको पेंट कर दिया तो फॉर्मूला चेंज हुआ और सैटरडे एंड संडे का हाईलाइट हो गया। अब कल के डेट में मान लीजिए कि मैं यहां पे फरवरी का डेट डालूंगा तो फरवरी के अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाएगा, तो अटेंडेंस शीट में ये आपके आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मूले को सही ढंग से नहीं सीखा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास होगी जो कि होगी आफ्टर दी फॉर्मूले, इसको बोलते हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हम फॉर्मूले पढ़ने के बाद इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अधिकतर फॉर्मूला आपको नहीं आ रहे, इसलिए मैंने अभी जो सिखाया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करोगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि आप समझ सकते हो या आपकी जरूरत है वो हमने आपको बता दिया। बाकी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे फॉर्मूले सीखने के बाद।